नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुद भी दो तारीख को क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं और 3 तारीख को रिलीज कर रहे हैं। हमने तो कुछ सेटिंग की है डिजिटल वालों की कि लास्ट मोमेंट पे ले लो। अच्छा पहले अपने साथ के लोगों का परिचय बताइए सबको हमारे। ये है मयूर कुमार जो फिल्म में लीड कर रहे हैं, कंचन अवस्थी टाइटल रोल कर रही है और एल्विस चतुर्वेदी जो वन ऑफ द की रोल प्ले कर रहा है इस फिल्म में। अब सवाल जवाब पहले तो आप बताइए टाइटल अच्छा लग रहा है कि नहीं? बस ठीक है। तो खूबसूरत चीज लेने के लिए हमने ये सोचा कि दिल वाली दुल्हनिया हो गई है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया हो गई है, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया हो जाएगी, तो एक अंडरवर्ल्ड से दुल्हनिया उठा ही लेते हैं। तो अंडरवर्ल्ड से दुल्हनिया आएगी तो गन तो होगी, तो दिमाग में टाइटल आ गया कि गन वाली दुल्हनिया रखते हैं और शुरू हो गए। ओके सर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप स्टारकास्ट डिसाइड करना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली लव स्टोरी के लिए, तो आपने कैसे स्टारकास्ट डिसाइड की इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए? कंचन ने मेरे साथ पहली भूत वाली लव स्टोरी कर चुकी है तो ये दूसरी फिल्म है, तो टाइटल रोल के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मयूर मेरे साथ 7-8 साल से जुड़ा हुआ था, बीच में 4 साल का उसका गैप हुआ था, तो ये जब आया तो मुझे लगा कि इसको मैं सेकंड लीड के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जैसे जैसे हम लोग साथ रहते गए तो मुझे ऐसा लगा कि मयूर ही वो लड़का है जिसको मैं समीर के लिए तलाश कर रहा हूँ, तो मैंने मयूर को लीड में लिया। और एल्विस जो है, हम लोग का शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन चल रहे थे तो अपने फ्रेंड के साथ आया था, इसका कोई शॉर्ट लिस्टेड नहीं था, फ्रेंड के साथ आया था, तो मैंने जब दूर से इसको देखा तो मुझे लगा अगर ये एक्टर रहेगा तो ये रोल कर लेगा। तो मेरे असिस्टेंट ने जाके पूछा कि आप एक्टर हो, तो उसने कहा हाँ, फिर उसका ऑडिशन हुआ, उसके बाद फिर ऑडिशन हुआ और 3 ऑडिशन होने के बाद फिर एल्विस का हम लोग ने सिलेक्शन किया। तीनों एक्टर से जानना चाहूंगा पूरी फिल्म की जर्नी कैसी रही और एक एक करके अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा बताया और उस किरदार की जर्नी बताया अपने अंदाज में। मेरी तो ये डेब्यू फिल्म है, बहुत अच्छा लगा फिल्म करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। और फिल्म में मैं समीर का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो लीड है और गन वाली के आसपास इधर उधर भटकता है पूरी फिल्म में, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पता ही नहीं मुझे एक्चुअली भी क्लाइमेक्स शूट करने वाले तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लेकिन बहुत कि सॉन्ग में और किरदार में भी काफ़ी नर्वस लग रहे, तो क्या रियल लाइफ में भी इतने ही शर्मीले हैं आप या फिर? नहीं, वही यही मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। अब जैसा मतलब एक नर्वसनेस और एक बिल्कुल सहमा सा दिखना वो बड़ा मुश्किल होता है, कुछ नहीं करके कुछ करना, तो वो सब मेरे गुरु हैं और गॉडफादर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने जो सिखाया जो आपके सामने है रियल लाइफ से बिल्कुल अलग डिफरेंट है मेरे लिए। कंचन आप बताइए किरदार की जर्नी कैसी रही और थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए कि गन के साथ एक्सपीरियंस कैसा? हाँ एक्चुअली उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ से हूँ, तो शायद गन कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में सभी लोग जानते होंगे, हर घर में एक गन पाई जाती है। तो जब ये सब्जेक्ट सुना मैंने तो ऑफ कोर्स एक फिल्म की हुई थी सर के साथ मैंने, और जब ये सब्जेक्ट सुना तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा, कुछ अलग हटके लगा, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए मुझे। और जब हमने इसकी शूटिंग शुरू की तो बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि गन तो थी ही साथ में, और सबसे बड़ी बात कि मुझे लहंगे पे पूरा शूट करना था, 50% ऑफ द शूट मैंने तो लहंगे में किया है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लहंगे पे शूट करने वाले हैं। सो लहंगा भी था ऑफ कोर्स, दुल्हन थी, गन था, तो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था पर अच्छा लगा आफ्टर ऑल। या मतलब दुल्हन की पूरी जर्नी आपने मतलब इस फिल्म के द्वारा काट दी? हाँ कह सकते हैं। 50% शूट तो मैंने मतलब दुल्हन के गेटअप में किया है, और हाथ में गन थी तो एक अलग सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हाँ कभी शूट तो नहीं किया गन लेके मैंने, और बट अच्छा लगा मुझे क्योंकि कुछ नया था, कुछ करने को था, जैसा कि मैं हर अपने इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मुझे कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए चाहिए, जब कुछ मिलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऑफकोर्स मेरी इस फिल्म में गन वाली दुल्हनिया में बहुत कुछ करने के लिए था और मैंने बहुत कुछ किया है। सर आप बताइए किरदार के बारे में, जैसे सर ने बताया कि जैसे कास्ट किया सर ने, थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पहले तो मेरे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज़ थी कि मैं किसी के थ्रू आया था ऑडिशन में और वो वहाँ उस
ऑडिशन में सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत ही मैजिकल मोमेंट था। वहाँ से जर्नी शुरू हुई सबके साथ, और फिर हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी सर ने कंडक्ट की थी, जिसमें कि कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बताया जाता था, सारी प्रैक्टिस होती थी, और काफ़ी आसान कर दिया था सर ने करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी पूरी स्क्रिप्ट में कि मेरे डायलॉग्स बहुत सारे थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बोलने के एक्टर के लिए एक होता है कि यार डायलॉग्स हो बोलने के लिए तो मज़ा आता है। तो शांतनु जी, जरा फिल्म के स्टोरी पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी अभी तो रोशनी बहुत हो चुकी है, 3 तारीख को डालेंगे रोशनी, लेकिन थोड़ा बहुत बताऊंगा। जैसे कि टेलर में आपने देखा है, टेलर में आप लोगों ने जो देखा है वो कि शादी के दिन एक लड़की का किडनैप हो जाता है, शादी की रात यहाँ दूल्हा मंडप में बैठा है और वहाँ पर किडनैप हो जाता है, और किडनैप होने के बाद घर वाले को एक फिरौती का फ़ोन भी आता है भैया जी करके कि 5 करोड़ रुपए चाहिए। साइमेंटेनिकली 10 मिनट के बाद लड़की की बहन घर में से एक खत लेके आती है, जिसमें लड़की ने खुद लिखा है कि मैं भाग के जा रही हूँ। तो पूरा माहौल कन्फ्यूज में हो जाता है कि लड़की भागी है कि किडनैप हुई है। यही से जो जर्नी स्टार्ट होती है वो एंड तक आपको कन्फ्यूज करके रखेगी, और प्यार भरा, मतलब मैं कहूँगा कि इस साल की सबसे रोमांटिक, ड्रामेटिकल और कन्फ्यूज करने वाली सिनेमाटोग्राफिक वाली शादी है। सर, इंद्र काला जी का भी किरदार काफ़ी अच्छा है, तो उनको कास्ट करने का डिसीजन किसका था और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम? विजेंद्र काला जी के परफॉर्मेंस से मैं शुरू से बहुत प्रभावित हूँ, और जब ये रोल लिख रहा था तभी मेरे दिमाग में एज ए राइटर होने के साथ वजह से मैं लिखते हुए ये क्लियर था कि मैं इसमें विजेंद्र जी को लूँगा, और विजेंद्र जी को कहानी सुनाई, उनको बहुत पसंद आई, सब्जेक्ट उन्होंने सुना, डायलॉग सुने, और उन्होंने जिस तरह से उसको प्ले किया है अनबिलीवेबल। मतलब मुझे लगता है विजेंद्र जी के करियर में इतना इंपॉर्टेंट रोल फिल्म में उन्होंने कभी नहीं किया, जो एक लड़की के बाप, और किरदार एकदम बहुत ज़रूरी किरदार है फिल्म का। शांतनु जी, कुछ अपने बारे में बताइए, इसके पहले आपने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? माझी शाळा और यारी दोस्ती मराठी की फिल्में दो की थी, और उसके बाद भूत वाली लव स्टोरी, और ये मेरी चौथी फिल्म है। आप फिल्म का टाइटल में गन वाली दुल्हनिया लिखे हैं, लेकिन कई बार ऐसा पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है कि गुन वाली दुल्हनिया लग रहा है। गन 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 की स्पेलिंग GUN गन ही होती है ना। वो इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं सर। हिंदी में तो मैंने गन ही लिखा है। अपनी प्रोडक्शन टीम के बारे में बताइए, आपकी पहली प्रोडक्शन है हिंदी में या इसके पहले भी आप लोग बना चुके हैं, और क्या कौन कौन है आपके साथ में? नहीं, ये जो 4 फिल्में जो मैंने की है मेरे बैनर पे ही की है, हम किसी का सपोर्ट नहीं लेते कभी भी मेकिंग के वक्त। रिलीज में भले कोई पार्टनर रह जाए, लेकिन इसमें रिलीज में भी हमारे साथ कोई नहीं है। बुद्धा एंटरटेनमेंट्स और KS मीडिया हमारा एक सिस्टर कंसल्ट कंपनी है, जो हम लोग साथ में ही कर रही है। एक आखिरी बहुत कठिन सवाल है कि आज के ज़माने में लोग मल्टी स्टार फिल्मों में जाते हैं, हाँ लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और आप जैसा बता रहे हैं कि विदाउट एनी हेल्प आप खुद फिल्म बनाते हो, खुद रिलीज करते हैं, तो आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया, क्या सोचकर रिस्क उठाया कि आप इसमें सक्सेस होंगे या आपको तकलीफें आएंगी रास्ते में, या कि आपको स्टोरी पे, सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा विश्वास था? नहीं, मैंने अभी थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और समय भी लूंगा, मैंने मेरा करियर एज अ स्टूडियो लाइटमैन शुरू किया था फिल्मिस्तान से, और ये बात है कम से कम 25 से 28 साल पहले की, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आप भी सोच सकते हो, पत्रकार हो, फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसी ग्रोथ हुई है, तो वो सारा चीज़ें मैंने देखी हुई है कि नॉन स्टार कास्ट, स्टार कास्ट, जो लोग पहले 10 लाख में काम करते हैं 10 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, 40 लाख में बनने वाली फिल्में 40 करोड़ तक जा रही है, तो वो जोनर देख चुका हूँ। और जब क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक एज ए डायरेक्टर स्टैब्लिश नहीं किया है, तो मैं अगर किसी बड़े आर्टिस्ट के पास अप्रोच होता हूँ तो पता नहीं 6 साल 7 साल का टाइम लेकर वो फिल्म मेरे साथ करेगा कि नहीं, उसके लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए ये नहीं है, तो किसी को ना किसी पे भरोसा करना पड़ेगा, तो मैं बेटर करता हूँ कि मैं नए ऊपर भरोसा करूँ, मेरे पे कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं नए ऊपर भरोसा करूँ ताकि प्रोजेक्ट बने, मुझे मेरे कहानियों पर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है उससे ज़्यादा भरोसा रहता है। एज अ राइटर मेरा ओपन चैलेंज है, किसी भी बड़े राइटर के साथ मुझे बिठा दीजिए, उससे 19 कहानी नहीं लिख पाऊँगा, इसलिए प्रमोशन के वजह से या आर्टिस्ट के वजह से मेरी फिल्में सो चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन एक समय आएगा जो मेरे ख्याल से अभी आ चुका है, सब्जेक्ट वाली फिल्में लोगों को काफ़ी पसंद है, तो होप सो गन वाली दुल्हनिया सब्जेक्ट वाली फिल्म है, और उस दौर में मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रूव कर सकूं। सेंसर बोर्ड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट कर? अरे यार, सेंसर बोर्ड बड़ा घटिया है,
मतलब खुला क्या है, हमने फिल्म में आपने ट्रेलर में एक डायलॉग देखा, माल हो तो मैं तुझे दे रही थी, इसमें क्या गलत है? वो एक रेफरेंस दे रहा है माल का, जो सोना चांदी है, कि तुम्हारे पास जो माल है वो लूटना चाहते हैं, तो सेंसर हमसे नड़ रहा है कि ये माल कैसे होगा भाई, सोना चांदी को आदमी माल ही बोलेगा ना, और वो उसको काउंटर कर रही है कि भाई माल वो तो मैं तुझे दे रही थी, तो उनको ऑब्जेक्शन है, लड़की क्यों माल बोलेगी, जबकि लुका छुपी में, ये छाप देना आप, जरूर छाप देना, लुका छुपी में पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े आर्टिस्ट दरवाजे पे खड़े रह गए, उस आर्टिस्ट को खुला बोल रहे मुझे भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्या चाहिए, तो जो उसको दे रहे हो वो हमें भी चाहिए, ये कैसे पास होता है? क्योंकि वो बड़े आर्टिस्ट है, इसलिए ये कैसे पास हुआ? सेंसर बोर्ड इसका जवाब देना चाहिए, हम छोटे मेकर्स कब तक ये सब झेलेंगे? तो मैंने उस चीज के लिए फाइट किया, और लेकिन उससे भी एक माल म्यूट करवा ही लिया, अपने बात पे अड़ा रहा, एक माल म्यूट करवा लिया उन लोगों ने, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो रिवाइज कमिटी, हम नहीं जा सकते ना इतना लंबा, बड़े लोगों को तो आग बंद करके कुछ भी दे देते हैं, अब वो कैसे देते हैं, अंडर टेबल ऊपर टेबल हो उनको ही मालूम होगा सर। ओके सर, थैंक यू सो मच।